शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम समीर है जी। समीर, और गांव में किस नाम से आपको जानते हैं? लिल्लू के नाम से। लिल्लू के नाम से। ये भैंसे आप बता रहे थे आपके घर की पाली हुई हैं? घर की। तो बेचनी क्यों है एक बार वो बताइए। या और इसकिया ब्याहन लग रही है खटिया। अच्छा, तो इसी वजह से इसको दूसरी ब्याह है इसी वजह से। ठीक है, तो दोनों में से एक को आपने देना है? एक ने देना है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जिला झज्जर का गांव है गंगटान, और डिगल से जो डिगल रोहतक जो रोड है वहां से सारा ही 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो गाँव है वो घर का पाला हुआ दो जो शानदार पशुधन है वो आपको दिखाएंगे। सांपला रोड लगता है ये, और एक जो बफलो है वो आप देखे बिल्कुल नियर टू काविंग, नियर टू डिलीवरी। एक और जो हीफर जो कटड़ी है कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट जो गैबिन है वो, और हमारे उम्रदराज मैं कहूंगा एक बुजुर्ग अंकल जी हैं, तो सीधा इन्हीं के पास लेकर के चलते हैं, पशुधन को फाइनली सेल करना पसंद करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, कैसे हो जी? ठीक है जी। शुभ नाम बताएं, शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम समीर है जी। समीर, और गांव में किस नाम से आपको जानते हैं? लिल्लू के नाम से। लिल्लू के नाम से। ये भैंसे आप बता रहे थे आपके घर की पाली हुई हैं? घर की। तो बेचनी क्यों है एक बार वो बताइए। या और इसकी ब्याहन लग रही है खटिया। अच्छा, तो इसी वजह से इसको दूसरी ब्याह है इसी। ठीक है, तो दोनों में से एक को आपने देना है? एक ने देना है। ठीक है, इसकी क्या कुछ डिटेल्स है एक बार बता दो। इसकी जी डिटेल आज है, कौन सा ब्याह है इसका? इसका तीसरे ब्याह हो गया जी। ठीक है, क्या कुछ दूध दिया था दूसरे ब्याह? दूध इसने दिया जी दूसरे 16 लीटर। 16 लीटर। हाँ जी। और कितना टाइम बचता है इसका ब्याहने का? अभी अभी 10 ही दिन रह रही। 10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, एक बार खोल के थोड़ा सा घुमा के चला के दिखा देंगे। खोल देंगे। तो तीसरे ब्याह में जो पशुधन है वो काविंग करेगा। सेकेंड लैक्टेशन में मैं कहूंगा 15 लीटर जो दूध है वो बता रहे हैं। 10 दिन जो काविंग करने का समय है वो बचता है। पशुधन आप देखे मीडियम हाइट में है, और थन वगैरह है देखें एक बार, डेवलप्ड जो थनों के कूप है वो निकल करके आ रहे हैं, और काफी अच्छा पशुधन घर का पाला हुआ है। तो अंकल जी, कभी पहले वीडियो वगैरह कभी बनवाई थी आपने? वीडियो वगैरह जी बनते 2-3 बली। अच्छा, 2-3 बार बनवाई? हाँ, ये नाम में भी लावा है। ठीक है, खरीद बेच का काम करते हो? ना, खरीद बेच का दिशा ना करते, पर ये दूध दादा तोलो सरकारी से खूब लावा अपने पशु करना। ठीक है जी, बढ़िया दूध का दिया था, 20 लीटर दूध का दिया था जी माँ ने। इसकी माँ ने? हाँ। तो वो आपने कहीं निवास वगैरह में लगाई? निवास में लगाई थी। ठीक है। हाँ। तो कितना इनाम मिला वहाँ पे? ये 20 लीटर के 20,000 रुपये थे, बिरानवी गवर्नमेंट के इतने थे। अच्छा, तो 20,000 रुपये उस टाइम पे। 2 साल हो गए बेइने नए दूध ना हो रही। क्यों सरजन लाल में सुई रख्या रे, इसमें इसने खान नो ही रे सरजन। 2 साल हो गए ना पड़ती ने नए दूध ना हो रही। ला एक मोरा डबी डॉक्टर हूं दोरा फोन करो ही। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई, घणे दिन में फोन मिलाया। के फोन करया डॉक्टर साहब? या मैं 2 साल पहले ब्याई दी, नए दूध ना होती। ना डॉक्टर साहब, न्यूट्री डाइट तो ना खवाई। अरे बड़ी गलती कर रहा पहलवान, न्यूट्री डाइट खवाई इसने। फिर हो जाएगी डॉक्टर साहब? नहीं, दूध भी होगी, छोटे बच्चे ने खवाओ वो तैयार होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आज ले आओ हम 25 किलो वाली बाल्टी न्यूट्री डाइट की। चल भगवान, न्यूट्री डाइट ले आओगे। पशु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी पशुओं को न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्री डाइट खिलाने से आपका पशु समय पर नए दूध होगा, बांझ नहीं होगा, और छोटे पशु जल्दी तैयार होंगे। हैं। अच्छा, ठीक है। तो कितने महीने इसको छोड़ा है भैंस को? इसको 2 महीने से छोड़ा। 2 महीने छोड़ा है। किसे क्या पिंड करा रखे? ये बढ़िया वो रखे जाए यहाँ पर गांव में। गांव में प्राइवेट बुल, प्राइवेट है। हाँ, उससे इसको गैबिंड करा। हाँ, बढ़िया दूध वाली मैच का हो भी। तो पिट क्वालिटी आप देखो जी, थर्ड लैक्टेशन की जो बफलो है वो, और 10 दिन का समय बचता है। अड्रा आप देखें धीरे धीरे करके जो सिलवटे हैं खुलनी शुरू हो गई हैं, टाइम पे अच्छा खासा जो अड्र है वो इसमें देखने को मिलेगा। बढ़िया बनाओ। ठीक है, तो धार वगैरह कैसी है? बहुत सुथरी धार है, गोल सुथरी धार। बढ़िया। ठीक है, नरम चौड़ा थाने बताओ है। खाने पीने में कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया है, खाया पिया बिना के 16 लीटर दूध काट रहे है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कुछ मोल भाव करोगे इसका? इसके जी 1,35,000। अच्छा,
तो 1,35,000 में कुछ गुंजाइश है कम ज्यादा अगर कोई भाई आए तो? इतना दे आपस में समाज में हो ही थोड़ा अच्छा नहीं नहीं कूड़ दे तो कर दोगे हैं। हंसी मजाक करते हो अंकल जी, काफी ज्यादा करते हो मेरे को लग रहा है आपकी बातों से। चल रहेगा ठीक है। कितनी उम्र होगी वैसे आपकी? मेरी जी 59 का हो गया। 59 साल हो गए ठीक है। क्या सर्विस वगैरह थे या ना? कुछ ना, हमने शुरू थे पशु है मिला। अच्छा पशुओं का ही काम था ठीक है। तो 1,35,000 रुपए में ये देनी है ठीक है। और ये अगर मैं कटड़ी आपसे पूछूं तो कटड़ी का क्या कुछ है आपका, कितने महीने की? इसने रखनी के बाल के। अच्छा ब्याह बाद से देखेंगे, देंगे जाने के बाद देनी है। देंगे तो ना जिसने एक नजर रखेंगे। अच्छा अंकल जी, इसकी जो आपकी कटड़ी है इसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं एक बार बता दीजिए। यह इससे की बहन से जी, इसकी बहन। अच्छा ठीक है छोटी जी। तो उम्र क्या कुछ है इसकी? उम्र क्या जी, 3 का लगभग हो रही है। 3 साल के करीब। हाँ बस दो भी ना, दो भी नहीं कसर होगी, कमी होगी ठीक है। तो किससे इसको क्या बिंड करा रखा है? यहाँ सरकारी उसमें हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बीज रखवाया था। और किसकी बेटी है? या वो 20 लीटर जो बताऊंगा ना वो रख रहे। वो गैबिंड किससे कराई थी, कौन से जोटे से गैबिंड कराई थी जब ये पैदा हुई थी जाके? तो देखो जी 3 साल के करीबन जो हीफर है घर की पाली हुई, कितने महीने की गैबिंड है अभी ये? ये जी 9 महीने होली, 9 महीने की गैबिंड है। तो देखें हाइट वगैरह देखो, पीठ की जो क्वालिटी है वो देखो काफी जबरदस्त। एक बार इसको भी थोड़ा सा गोल के घुमा के चला के दिखाएं, खंड वगैरह है वो आप देख लो, काफी डेवलप्ड जो कूप है वो निकले हैं इस हीफर में, काफी शानदार जो कटड़ी है वो, और घर का पाला हुआ जो पशुधन है वो दिखा रहे हैं। चेहरे मोरे की जो सुंदरता है वो आप देखें, पूरा शराफत से भरपूर जो शानदार कटड़ी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसको बेचोगे? इसको भी, इसको देखेंगे जी, के दे बालक रखनी भी कहे पर ब्याह पास देखा है, ब्याहने के बाद इसको आप देखोगे। तो देखो जी 9 महीने की कन्फर्म चेक पास प्रेगनेंट, अर्डर की जो सिलवटे हैं धीरे धीरे करके यहाँ पे खुल रही है, और काफी जबरदस्त जो मुठिया आकार के डेवलप्ड जो थनों के कूप हैं वो निकल करके आए हैं कटड़ी में, ये आप देख लीजिए काफी शानदार जो हीफर है जो कटड़ी है वो। तो इसका कोई मूल भाव अभी है नहीं फिलहाल? ना इसका अभी कुछ नहीं ठीक है। तो एक ही पशुधन है जो इनके इस घर में सेल के लिए अवेलेबल है, जो घर की पाली हुई थर्ड टाइमर बफलो आप यहाँ पे देखें, और 1,35,000 रुपए जो कीमत है जो कॉस्ट है वो इन्होंने रखी है। और क्या कुछ मोबाइल नंबर है आपके? 94-168-78-409 94-169-78-409 और एक नंबर और है जी बताओ, 81-68-68-12-30 तो ये इनके जो सुपुत्र हैं फौजी साहब हैं, इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं, तो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे, और उनके जो संपर्क सूत्र हैं वो, तो 2 कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने इनकी लगातार जो है आप पशुपालकों के सामने रन कर रही हैं, प्ले कर रही हैं। एक बफलो सेल के लिए है तो आपको दिखाई गई है, काफी अच्छी भैंस घर की पाली हुई, 15 किलो दूध सेकेंड लैक्टेशन में मैं कहूंगा इसने दिया था, अब की बार थर्ड लैक्टेशन में काविंग करेगी, 10 दिन का जो समय है वो बचता है। आज की वीडियो थी डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गांगटान से, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।